अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अमार एसीएस ऑफिशियल के साथ आज अमार एसीएस ऑफिशियल की टीम जुमेरात के रोज आपको आरिफ आला की गल्ला मंडी का विजिट करवा रही है। नाज़रीन, आरिफ आला गल्ला मंडी में अगर आज इजनास की बात करें तो मकई की फसल, धान की फसल, कपास की फसल, रेड चिली के साथ बहुत कम मकदार में तिल भी देखने को नजर आ रही है। नाज़रीन, अगर रेवल की बात की जाए तो आरिफ आला गल्ला मंडी में आज धान की फसल जो है वो टॉप पे नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा जो आपको मंडी में वीडियो के अंदर नज़र आने वाली इजनास है वो धान की फसल है। तो आज के रेट के ऊपर भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा मौसम को डिस्कस करते हैं कि आरिफ आला का मौसम जो है वो कदरे बेहतर है, धूप निकली हुई है, मौसम खुशगवार है और मौसम के खराबी के चांसेस भी बहुत कम हैं। तो नाज़रीन, आज के रेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जुड़े रहें अमार एसीएस ऑफिशियल के साथ। वेलकम बैक टू अमार एसीएस ऑफिशियल। जी नाज़रीन, अमार एसीएस ऑफिशियल के साथ हमने आपको आरिफ आला की गल्ला मंडी का विजिट करवाया। आरिफ आला गल्ला मंडी के अंदर इजनास की बात की जाए तो धान के साथ मकई, कपास, रेड चिली और तिल नजर आ रही हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर हम आपसे रेट शेयर करने जा रहे हैं। अगर रेटों की बात की जाए तो आरिफ आला के अंदर जिस मकदार से आज धान की फसल देखने को नजर आ रही है, इसी के दूसरी तरफ अगर इनके रेट चेक किए जाएं तो धान की फसल का रेट कोई बहुत ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहा। किसान परेशान है अपनी फसल को लेकर के, रेट बहुत कम है। मकई की फसल, कपास की फसल, रेड चिली और तिल के अंदर रेट कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन धान की फसल का जो किसान है, कस्टमर है, वो दोनों परेशान है। तो आज के रेट हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है आज की इंफॉर्मेशन व्लॉग आपको काफी फायदा देने वाला है। इंशाल्लाह हमारे एसीएस ऑफिशियल की टीम ऐसे ही आपको अपडेट रखेगी हर रोज आने वाले रेट्स और इजनास से। जुड़े रहें हमारे एसीएस ऑफिशियल के साथ।